कहते हैं मैं कई बार कहता हूं कि अष्टमी के दिन भूल चूक के भी कोई नया काम शुरू मत करो। किस दिन? अष्टमी के दिन। हाँ, भूल चूक के भी नया काम शुरू नहीं करना। नया काम यानी कोई धंधा, गृह प्रवेश। तू तो कहीं संचालन करने जा रहा है तो जाना, तू बोलेगा नया काम शुरू नहीं करो, आज अष्टमी है, पहला दिन महाराज जी, आज मैं नहीं बोलूंगा। बोलेगा नहीं तो उधर कार्यक्रम में बंटादार होगा। नया काम यानी क्या? हाँ, कोई मकान नहीं बनाए, दुकान ना बनाए, कोई नई चीज की कोई शुरुआत ना करें, ये बात है। रोज जो जिंदगी भर अपना काम करते हो उसमें अष्टमी बीच में नहीं आता। जो रोज काम करते हो, मेरा काम ही गाना ही है, नवरात्रि को कार्यक्रम, अष्टमी को शुरू हो रहा, आज पहले दिन नहीं गाऊंगा, महाराज ने आदेश दिया गाना नहीं है अष्टमी को, आए हुए लोग सुनेंगे क्या, न भक्ति होगी क्या। इसलिए जो कार्यक्रम रोज का धंधा हो उसमें अष्टमी बीच में नहीं आता। कोई नया शुरू कर रहे हैं बड़ा काम, नया घर बना रहे हैं, अष्टमी को नहीं चालू करना। लड़की के लिए लड़का देखने जा रहे हैं, अष्टमी के दिन नहीं जाना। अष्टमी के दिन कोई भी मंगल कार्य नहीं करना, सर्व मंगल कार्य करना, मंगल कार्य नहीं करना। मंगल कार्य यानी संसारिक कार्य, सर्व मंगल कार्य यानी भगवती की भक्ति भजन, वही सर्व मंगल कार्य। कौन सा कार्य? भगवती की भक्ति भजन जरूर करते रहना, उसमें कोई भी तिथि अड़ती नहीं, विशेष करके अष्टमी को और ज्यादा करना। और अष्टमी को, हाँ अष्टमी को ज्यादा भक्ति करना। एक दिन इसको ऐसे ही बोला अष्टमी को ज्यादा भक्ति करना, तो पूरे ललाट में कुंकू लगा के आ गया। मैं कह भाई ये क्या किया? बोले अष्टमी को आपने ज्यादा करना बोला तो मैं बड़ी भक्ति करना है। जै जै बड़ी टिक्की लगा के नहीं आ जाना, बड़ी टिक्की लगाने से बड़ी भक्ति नहीं होती। अभी मेरी टिक्की देख के तुम भी टिक्की लगाने से साधु बन जाओगे, तो टिक्की से नहीं भक्ति से व्यक्ति भक्त बनेगा। जय जय गुरुदेव। टिक्की लगाने से क्या बनेगा? आज हम महागौरी माँ को देखेंगे अष्टमी के दिन। कौन है देवी महागौरी? कैसे हुई? तपस्या कर करके काली पड़ गई एकदम। देखो उसी का नाम महागौरी है, एकदम गोरी है। इसके गहने भी सफेद हैं, गहने भी सफेद पहनती है, रंग भी सफेद। शास्त्र कहता है शंख जैसा। कैसा? शंख जैसा। चंद्र जैसा। कैसा? चंद्र जैसा। शंख जैसा, चंद्र जैसा, रुई जैसी सफेद, ऐसी सफेद माँ का रंग। और घात गले में गहने भी सफेद रंग की पहनती है। माँ को लगता है माँ भी उस जमाने से ही मैचिंग काम चालू कर दी, तो आप लोग अब मैचिंग करो तो माँ का ही अनुसरण कर रहे हो। माँ देखी कि मेरा रंग सफेद है तो मैचिंग गहना पहनूं। कौन से रंग का गहना पहनती है? गोरी होने से भगवती का नाम महागौरी। लेकिन बड़ी काली पड़ गई। कैसे पड़ गई? क्यों काली पड़ गई? तपस्या करने लगी। माँ तपस्या करती है। आप लोग तपस्या कभी भगवान के लिए किए कि अपने काम पूर्ति के लिए किए? देखो एक ही जगत में जगन माता हुई, उसका कोई अपना काम नहीं, मुझे भगवान मिल जाएं इसलिए उसने व्रत किया। आप मुझे पद्मावती मिल जाएं इसलिए व्रत किए हुए कितने हो? घर बन जाएं, गाड़ी बन जाएं, बच्चे अच्छे पढ़ लें, पति कहना मान जाएं। अपने सो संसार के लालच हैं जिसके पीछे व्रत करते हैं और कहते हैं कि मैं व्रतधारी हूं। व्रतधारी वो नहीं जो अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए व्रत करता है। प्रभु को पाने के लिए व्रत करें, वही असली व्रतधारी। व्रतधारी कौन? माँ बड़ी काली पड़ गई। कैसे पड़ गई? काली, एकदम काली। जी, इतनी तपस्या देखी भगवान ने, मेरे पीछे इतनी पागल। शंकर जी ने देखा, बोले तो हैं भोलेनाथ, इनकी तपस्या देख के और भी पसीज गए, दिल पिघल गया। अरे मेरे पीछे इतनी तपस्या, जमीन में गिरे हुए बेल पत्ते खाती है, पत्ते वृक्ष भी नहीं तोड़ती है, शंकर जी का वृक्ष तोड़ूंगी नहीं। हाँ इतनी तपस्या। भगवान बड़े प्रसन्न हो गए। भगवान ने इस काले रूप को देख के बड़ा दुखी होकर के सोचा कि कितनी सुंदर ये पर्वतराज की पुत्री आज ऐसी काली हो गई, एकदम श्याम वर्णी हो गई ऐसे। आहा, भगवान को बड़ी दया आई, बड़ा प्रेम उमड़ गया, बड़ा स्नेह आया। भगवान ने गंगा जल लिया करके भगवती के शरीर को मला। भगवान का जैसे ही हाथ लगा
अब क्या भगवान उनके शरीर से मेल निकालेंगे, मेल हो तो निकालें, भगवान का स्पर्श करना रहा न भगवती का शरीर गोरा हो गया।